सबसे पहले मैं यहाँ पर दो ट्रांसपेरेंट टेप लगाऊंगी अपने ब्राउज के एंड तक। सेम इसी तरह इस पे भी लगाऊंगी। अब मैं इनको देख लूँगी कि ये अच्छे से लगे हैं नहीं। इनको मैं अच्छे से सिक्योर कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर इस ब्रश की हेल्प से ये मिस गोल्ड का आई शेडो पैलेट, इसमें से मैं यहाँ पर ये ब्राउन डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ, इसको मैं अपनी क्रीज लाइन में लगाऊँगी कुछ इस तरीके से। सेम तरीके से दूसरी आंख को भी लगाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर ये हिलेरी रोडा का आई शेडो पैलेट है, इसमें से ये ब्लू कलर के तीन कलर हैं, इन तीनों कलर को मिक्स करके लगाऊंगी। सेम तरीके से मैं इसे भी लगाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर ये मिस गोल्ड का आई शेडो पैलेट है, इसमें से ये ब्लैक शेड लेकर लगाऊंगी। इसको मैं सिर्फ आउटर वी पे प्लेस करूंगी अपने कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पर ये मेरे पास रोजा का लिप बाम है, एक्चुअली यहाँ पर मेरे पास कोई भी ग्लिटर ग्लू नहीं है, तो मैं यहाँ पर इस लिप बाम से काम चलाऊँगी और वाकई ये बहुत अच्छा है। इसको मैं इस ब्रश की हेल्प से लगा लूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं इसको पूरी आईलेट पे लगाऊँगी इसकी हेल्प से कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर ग्लिटर जो है वो थोड़ा सा फॉल आउट हो जाता है, सो इसलिए मैं यहाँ पर स्पंज की हेल्प से ये लूज़ पाउडर है मियोन का, इसको मैं नीचे नीचे थोड़ा सा लगा लूँगी ताकि जो भी फॉल आउट हो वो मैं अच्छे से निकल जाए, चिपके नहीं। मैं इसको इस तरीके से लगा लूँगी मोटा मोटा कोट इसका। उसके बाद मैं यहाँ पर ये ग्लिटर ले रही हूँ, ब्लू कलर का ग्लिटर है ये, इसको भी मैं इस ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी। इस तरीके से मैं इसे पूरी आईलेट पे लगा लूँगी। अब मैं अपनी टेप्स को रिमूव कर दूंगी। और इस एक्सेस पाउडर को भी मैं हटा दूंगी।
उसके बाद मैं यहाँ पर ये कलर पेंसिल ले रही हूँ, ये ब्लू कलर की कलर पेंसिल है। इसको मैं अपने लैश लाइन में लगाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर ये VLCC का काजल ले रही हूँ, इसको मैं अपनी आँखों में लगाऊंगी। काजल के बाद यहाँ पर ब्लू हेवन का आईलाइनर ले रही हूँ और एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी मैं इससे। हमेशा ग्लिटर के ऊपर जो है लिक्विड लाइनर ही यूज़ करें ताकि वो अच्छे से लग जाता है। अगर आप पेंसिल वाला लाइनर, पेन वाला लाइनर यूज़ करोगे तो आपका ग्लिटर निकल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ये ब्लू हेवन का मस्कारा ले रही हूँ। मस्कारे को मैं लगाऊंगी। उसके बाद एक कर्लर की हेल्प से मैं अपनी आईलैशेस को कर्ल करूंगी। नेक्स्ट उसके बाद मैं यहाँ पर ये मैक की मेरे पास आईलैशेस है, इनको मैं ऑफ कैमरा लगाऊंगी। और गर्ल्स, ये है मेरा फाइनल लुक। आपको मेरा ये आई मेकअप कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।